जय हिंद दोस्तों, मैं मुंबईकर राजेश बनिया, अग्रवंशी राजेश बनिया। जय सियाराम, जय श्री अग्रसेन। ये मेरा वीडियो तमाम अग्रवंशी बंधुओं के लिए है। अग्रवंशी यानी के अग्रहरि एवं अग्रवाल बंधु, हम सब लोगों के आराध्य भगवान श्री अग्रसेन जी का जन्म अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी के शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हुआ था। देश भर के तमाम अग्रवंशी यानी के अग्रहरि एवं अग्रवाल बंधु अग्रसेन जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जन्मोत्सव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में सारा राजपाट त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। उसके बाद में वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए मैं अग्रसेन जयंती के बदले अग्रसेन जन्मोत्सव शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अग्रसेन जन्मोत्सव के पिछले दिन पितृ अमावस्या होता है। सारे हिंदू समाज के लोग अपने अपने पितरों का तर्पण करते हैं एवं पिंड दान करते हैं। कुछ लोग धार्मिक स्थल पर भी जाते हैं अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए। तो होता यह है कि नवरात्रि के पहले दिन वो लोग या तो प्रवास में होते हैं या फिर थके हुए होते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के लिए कुछ लोग अपने अपने घरों पर दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, कुछ लोग घट स्थापना करते हैं और कुछ लोग अन्य प्रकार की पूजाओं में रत हो जाते हैं। पिंडदान एवं नवरात्रि की जो पूजा होती है ये काफ़ी खर्चीली होती है और उसमें काफ़ी समय भी लगता है। नवरात्रि में काफ़ी लोग उपवास रखते हैं। कुछ लोग पहला दिन और आठवां दिन या पहला दिन और नौवां दिन या फिर कुछ लोग पूरे नौ दिन उपवास रखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले दिन लगभग सभी लोगों का उपवास होता है। तो महाराजा अग्रसेन जी की जयंती यदि हम लोग प्रतिपदा यानी नवरात्रि के पहले दिन मनाते हैं तो काफ़ी लोग घर में पूजा पाठ होने के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं और जो लोग सम्मिलित हो पाते हैं उसमें कुछ लोग उपवास वाले होते हैं, कुछ लोग बिना उपवास के होते हैं। तो जो आयोजक मंडल होता है वह लोग खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। तो खाने पीने में उपवास की सामग्रियां भी होती हैं और साधारण भोजन भी होता है। तो जो आयोजक होते हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कितने लोग फल आहार करेंगे और कितने लोग भोजन करेंगे। तो होता क्या है कि अंत में या तो फल आहार की वस्तु व्यर्थ हो जाती है या फिर भोजन जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इस अन्न का अपमान या अन्न का जो खराब होना या अन्न का बचना कहीं ना कहीं अन्न का अपमान है, इसको रोका जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जिस प्रकार अग्रोहा में अग्रसेन जयंती शारदीय पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है ताकि देश विदेश के सभी अग्रबंधु उस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकें, सम्मिलित हो सकें और अच्छे तरीके से सभी लोगों के साथ अग्रसेन जन्मोत्सव मनाया जा सके। अग्रसेन जन्मोत्सव हम सभी अग्रवंशियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिन हम सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से परिचय बढ़ाते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। तो सभी अग्रवंशियों से मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है, कृपया करके शारदीय नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन अग्रसेन जन्मोत्सव को न मनाते हुए नवरात्रि के 6 दिन बाद पड़ने वाली शरद पूर्णिमा यानी के खोजागिरी पूर्णिमा के दिन या उसके आसपास के किसी भी शनिवार के दिन या रविवार के दिन अग्रसेन जन्मोत्सव मनाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
हमारे अग्रबंधु उस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। सभी अग्रवंशी बंधुओं से मेरा निवेदन है, कृपया मेरे सुझाव पर एक बार विचार किया जाए और यदि उचित लगे तो अगली अग्रसेन जन्मोत्सव को शारदीय पूर्णिमा के दिन धूमधाम से सभी अग्रवंशियों को साथ लेकर मनाया जाए। सभी अग्रहरी एवं अग्रवाल बंधुओं को सादर प्रणाम। जय सियाराम, जय श्री अग्रसेन, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल नेशन फर्स्ट।